पलवल के गांव बुलवाना में एक और विवाहिता दहेज की बलि चढ़ा दी गई है। वृंदावन के गोपालगढ़ की रहने वाली कविता की शादी आज से 1 साल 4 महीने पहले गांव बुलवाना में की गई थी। परिजनों ने अपनी हैसियत से ज्यादा दान दहेज किया था, लेकिन आरोप है कि शादी के 1 महीने बाद ही ससुराल वालों ने कविता से स्विफ्ट कार की डिमांड रख दी और इसके बाद से कविता को टॉर्चर किया जाने लगा। परिजनों की माने तो दहेज को लेकर कई बार दोनों परिवारों के बीच झगड़े हुए, मान मनोबल भी हुई, लेकिन बीते दिन उस वक्त ससुराल वालों ने सारी हदें पार कर दी जब कविता को फांसी के फंदे पर लटका कर उसकी हत्या कर दी। ऐसा हुआ था, करीब हमारी बहन जी की कविता है, मेरी भी लड़की छोटी है, वो बिटिया है, जो उसकी शादी करीब हमारी 1 साल 4 महीने से हो गई थी। हुए इनके घर में शुरुआत से करीब 3 महीने या 2 महीने से इतना शुरुआत इन्होंने टॉर्चर करने की कर दी लाली को। पहला सबसे ज़्यादा इनकी मम्मी है ना, जो दहेज की ज़्यादा मांग करती थी, वो हमने और सब सामान दिया था जो हुआ था, जो हमने दिया था इनको, लेकिन इन्होंने फिर भी इनको शांत नहीं हुए, क्योंकि ये लड़के कमाते तो है नहीं थे ओनली कि घर से ला। चारों ऐसे भैया कुछ कमाते नहीं है पापा के, और बस में रहते थे, तो इनको मांग हुई थी दहेज की, गाड़ी में शिफ्ट वगैरह की मांग करने लगे, तो हमारी लड़ाई वगैरह होती थी इनके घर पर। फिर हम पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने मारा पिटाई की थी 2-3 बार हो गई थी। मम्मी बोली कि चलो कोई बात नहीं, घर की बात है, लड़की हमें करनी है, घर रुक जाएगा, बाद में सुधर जाएंगे ये। लेकिन इन्हों की कोई भी पुलिस वाले को रोका, दौड़ के जाओ बोरा पीछे जल्दी जाओ, इनकी कोई भी बात पूरी नहीं हुई। फिर हमने दोबारा चलो मैंने कि एक बार मम्मी बोली, फिर इन्होंने बहुत जोर से मार लगाई। इनके पंकज ने, छोटा वाला है पंकज, वो कभी कभी आता है या कहीं काम करता है नहीं, पर नहीं उसको ट्रेंट होती है उससे, हमारी बिटिया से। तो शादी कितने समय पहले हुई थी? शादी को हो गए आपको करीब मार्च में हुई थी, 2022 में हुई थी, प्लस मेरे को इतना ही ध्यान है 1 साल 4 महीने के लगभग हो गए हैं शादी हुए। क्या यानी कि किससे हत्या की है, फांसी लगाई है? लगा कि इन्होंने हम कर दिया, लटका दिया या क्या करा, हमको तो बाद में पता पड़ी हॉस्पिटल में, जब हम पहुंचे हमको पता पड़ी हॉस्पिटल में तो फांसी लगा दिए, तो फांसी का केस था ये। तो पुलिस को सूचना दे दी है? हाँ, पुलिस को हमने सूचना दे दी है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा करा दिया, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ कोई भी। किन किन लोगों के खिलाफ शिकायत दी सर? हमने एक इनका बड़ा भाई है रामू, उनका नाम रामू है, और उसके बाद छोटा भाई है पंकज है, प्लस इसके पिताजी हैं, इनकी माता जी हैं, ठीक है, और इनके 4-5 जने उनके नाम। कितने बच्चे हैं महिला जिसकी बिटिया पे? अभी करीब मान लो एक लड़का है 4-5 महीने का हुआ होगा। कितनी उम्र है उसकी लाली की? हमारी बिटिया की 27 के लगभग। उधर विवाहिता की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई तो पुलिस भी भागी भागी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने कविता की लाश को फंदे से नीचे उतारा और परिजनों की शिकायत पर आरोपी पति, देवर और सास ससुर के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। ये बुलवाने गांव का मैटर है, कविता नाम की लेडी थी जिसको फांसी लगा के मार दिया, ये इसको एडमिट करवाया था अपना गुरु नानक हॉस्पिटल में, वहाँ दौरान इलाज इसकी मृत्यु होगी, कल लेट लेके आए थे, आज इसका पोस्टमार्टम करवा दिया। कितनी उम्र है और कितना टाइम शादी को हुआ था? उम्र 27 साल करीब है, ये 2022 छठे महीने में शादी हुई थी। क्या कारण रहा है, कुछ पता लग पाया? ये जो मुदई पक्ष है लड़की वाले, ये दे रहे हैं भाई देखा तक तंग करे थे ये, और इन भाई लड़की मार। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है? 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। क्या कुछ पता लग पाया है कि परिवार में क्या कलेश चल रहा था? कुछ परिवार में दहेज के लिए परेशान करने वाली बात आ रही सामने अभी तक। कितने बच्चे हैं महिला के? एक बच्चा है। क्या कार्यवाही की जा रही है? मुकदमा दर्ज कर दिया, गिरफ्तारी करा, पोस्टमार्टम करा दिया, पोस्टमार्टम करवा दिया, बोलिया वाले। घटना को लेकर पुलिस की छानबीन जारी है और दावा भी यही है कि जल्द से जल्द सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। बता दें कि कविता का पति और उसका भाई बेरोजगार है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, जिसके चलते वो कविता पर स्विफ्ट कार पर नकदी लाने का दबाव बना रहे थे। पलवल से रुस्तम जाखड़, पंजाब की सिटी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।